तमाम कयासों के बीच नीतीश कुमार आज नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन इससे भी अप्रत्याशित खबर जो बीजेपी की तरफ से आई है कि सम्राट चौधरी को इस नए सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उनके साथ विजय कुमार सिन्हा भी डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों नेताओं को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है बिहार में। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी ही बांध रखी थी कि जब तक नीतीश कुमार सीएम पद से हटेंगे नहीं, यह साफा नहीं उतरेगा। लेकिन अब अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को ही डिप्टी सीएम चुन लिया, उन पर भरोसा जताया है। कौन है सम्राट चौधरी, क्या रहा है इनका इतिहास और भाजपा के लिए क्यों है ये इतने खास, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। सितंबर 2022 में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो नया अध्यक्ष कौन होगा इस पर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। इस बार जिसे अध्यक्ष बनाना था वो नीतीश कुमार की जाति समीकरण का एक विकल्प भी होना चाहिए, इस पर बीजेपी विचार कर रही थी, क्योंकि एक महीने के पहले ही अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार में एक टर्म चलता है, कुर्मी कोयरी, कोयरी यानी कुशवाहा। जातिगत समीकरण यह कहता है कि बिहार में 14% यादवों, जो कि लालू यादव के वोटर माने जाते हैं, उनके सामने बीजेपी का लव कुश यानी कुर्मी कोयरी वाला एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद RJD से जा मिले हैं। बीजेपी ने नए अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सामने लाया। सम्राट चौधरी जो उम्र में 53 साल के युवा हैं, यानी तेजस्वी यादव के सामने एक युवा चेहरा, और उधर कुशवाहा समाज को भी साधने का काम किया गया। सम्राट चौधरी खुद एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। ये तो उनके पिता की प्रोफाइल बता दी, लेकिन सम्राट चौधरी का खुद का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। साल 1990 से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर दी, लेकिन तब उनकी पार्टी थी RJD। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सेना से रिटायर होकर राजनीति में आए थे, लेकिन सम्राट चौधरी बहुत ही कम उम्र से राजनीति में सक्रिय रहने लगे। कम उम्र में ही विधायक और मंत्री भी बने। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये वेबसाइट में प्रॉपर लिखा है। 16 नवंबर 1968 में जन्मे सम्राट चौधरी 30 साल की उम्र में ही बिहार सरकार में कृषि विभाग के मंत्री बन गए थे। ये 1999 की बात है, तब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। इसके बाद साल 2000 में और फिर 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास मंत्री रहे। 2018 तक RJD में रहने के बाद सम्राट चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सम्राट चौधरी के करीबी बताते हैं कि वो बहुत सक्रिय, कमिटेड और राजनीति से इतर व्यक्तिगत संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति हैं। फिलहाल 2018 में वो भाजपा के सदस्य बन गए, RJD से नाता टूट गया। 2022 में उनको बीजेपी ने बिहार प्रदेश की कमान सौंप दी, वो बन गए प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद से सम्राट चौधरी बहुत मुखरता के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने खुद अपने कुछ इंटरव्यू में यह बताया कि उनकी पगड़ी एक कसम है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की। नीतीश कुमार खुद भी सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब बिहार में सब कुछ बदल चुका है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के बाद दो और बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दे दी है। सम्राट अब बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे और होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार की सभी जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।